अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आपके। बहरहाल, सियासत की शुद्ध बुद्ध रखने वाले और उस पर दिलचस्पी रखने वाले का पारा भी उसी तरह चढ़ रहा होगा, उनके जज्बाती हवालों से बड़े कंसर्न है। और बहरहाल, आज अरशद लतीफ़ के कत्ल के पस पर्दा वो तमाम राजों पर से पर्दे उठते चले जा रहे हैं और ड्रामा जिसे एक भयानक मनसूबे की तकमील के लिए स्टेज किया गया था, अब उसका मंजरनामा सामने है। इस कदर हसासियत का हामिल था कि डी आई एस पी आर को अपनी पॉलिसी के बरक्स डी जी आई एस पी आर के साथ अपना मौकफ पेश करने करके मंजर आम पर आना पड़ा और फौज पर उछाले जाने वाले उन खून के चींटों की वजाहत करनी पड़ी। लेकिन दूसरी तरफ इकतदार पर फायज सियासी जमातों का इतहाद इस कदर बेबस और मजबूर हमें नज़र आ रहा है कि वो दीवार से लगे नज़र आ रहे हैं। उनके हाथ पांव बांधे उज़्व मुअत्तल बनाकर रख दिया गया है और जहां एक तरफ उन्हें उसी मोतबर तरीन अदारे के एक ताकतवर ग्रोह का दबाव है, तो वही इतिहाद में भानुमती के कुंभे में शामिल ऐसी जमातें भी मौजूद हैं जो उन्हें ब्लैकमेल कर रही हैं। अदलिया का किरदार भी इस कदर मशकूक कि वो एनेक्सिस एक गठजोड़ हमें साफ नज़र आ रहा है कि जहाँ फौज में एक ही ताकतवर धड़ा का इमरान खान और अदलिया का एक कनेक्सिस है, एक गठजोड़ हमें नज़र आता है। और तीसरी तरफ मीडिया का एक ग्रोह जो बज़ाहिर जमहूरियत पसंद रहा है, जिसमें हामिद मीर और दीगर आलम भी शामिल हैं, उन्हें भी दागे दिल हमको याद आने लगे कि मुतरादिफ अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों को याद करके वो इस लगी हुई आग को हवा दे रही है। बहरहाल, हालात फैसला कुन मरहल पर पहुंच चुके हैं और इस मकाम पर पहुंचा दिए गए हैं जिसके लिए ये स्क्रिप्ट लिखा गया था। इमरान खान इस बिछाई गई बसात का एक सबसे अहम मोहरा है। अगरचे उसने अपना मौकफ और बयानियाँ हर मोड़ पर तब्दील किया, हर बयानी के झूठ साबित होने पर पहले से घड़ा घड़ाया एक नया बयानिया तलाश कर लिया और उसकी फॉलोइंग ने फिर पीटीआई के एक्टिविस्ट हैं उसमें और लोग उस बयानी पर मनोयन यकीन करते चले नजर आए। इमरान खान की शख्सियत जिसे इसकी फॉलोइंग एक मुकद्दस देवता की हैसियत देते हैं, किसी भी तरह उसकी ज़ात पर शक करने को तैयार नहीं है। वो फौज जिसने इमरान खान की नैपियत तब्दील करवाते वो रहे थे, अब उसके सामने इसलिए इस कदर बेबस नज़र आ रही है कि उसने क्योंकि उसने बड़ी कामयाबी से जहां हर ख़ानदान में पोलराइजिंग का जहर घोल दिया है, तो वहीं फ़ौज को भी पोलराइज्ड कर दिया है। जहां फ़ौज में जूनियर और नौजवान अफसरान इमरान खान के गीत गाते उसको अपना मसीहा समझने लगे हैं, वहीं फ़ौज के कुछ सीनियर अफसरान भी उनमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इसलिए इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई ऐसी कानूनी कार्रवाई करने से इज्तनाब किया जा रहा है। जिन जराइम पर माजी में फ़ौज आग बगोला हो जाया करती थी, पहली बार हम महसूस कर रहे हैं, महसूस हो रहा है कि ये बेबसी हमें नज़र आ रही है कि फ़ौज की अहम अहदों पर तैनात जनरल्स का रवैया माजरत वाला था, उनमें रवायती घनगरज नज़र हमें नहीं आ रही थी, इसलिए कि उन्हें दाखिली चैलेंजेस का भी एहसास है। अशरफ शरीफ का कत्ल, जिसकी जिम्मेदारी बराह रास्त खुरम और वक़ार पर आयद होती है, जो कराची के डिफेंस के इलाके के में एक रिहायशी थे, लेकिन इस वारदात से एक दिन पहले जो है उनके जो वालदैन थे वो उस घर से अचानक गायब हो गए और वो घर खाली है इस वक्त। वो कहाँ गायब हुए, कहाँ चले गए, अभी तक मालूम नहीं हो सका। इमरान खान भी दो दिन पहले अपने दिए गए इंटरव्यू में लॉन्ग मार्च की तारीख बताते हुए हिचकिचाहट का शिकार था, ने भी अरशद लतीफ़ की मौत की फौरी बाद जुमे को यानी आज के दिन 28 तारीख का दिन दे दिया। अरशद लतीफ़ के बारे जिसके बारे में मालूम हुआ कि अपने साथ होने वाली वारदात से वो आगाह हो चुका था, वो नेरबू के फार्म हाउस से निकल कर कीनिया से बहर जाना चाहता था और उसकी बेताबी और सरासीमगी की खबरें बराबर हर आन इमरान खान को ARY के CEO सुलेमान इकबाल की वसासत से मिल रही थी।
यही वो लम्हात थे जब पहले से बिछाया गया जाल में फंसा शिकार को अपने मुकद्दस देवता के चरणों में कुर्बान कर देने का वक्त आ गया और इत्तला कर दी गई कि खुशकिस्मत है अरशद शरीफ जिसे इमरान खान पर कुर्बान होने का मौका मिल गया। सियासत जो कि जारहाना नौयत की होती है हमेशा, वहाँ लाशों की भी कभी कभार ज़रूरत पड़ जाती है और सियासत के सीने में दिल नहीं होता बल्कि संगलाख पहाड़ों के पत्थर होते हैं। किसी भी तारीख को मोटिवेट करने के लिए, उसको मोबलाइज करने के लिए, उसको तारीख को तेज़ करने के लिए, उसमें शिद्दत लाने के लिए किसी ना किसी एक अरशद शरीफ की ज़रूरत महसूस होती रही है। 2014 को देख लीजिए, लाशें गिराने मकसूद थी, लाशें दरकार थीं तारीख को चलाने के लिए, तो 14 लाशें मॉडल टाउन में गिरा दी गई और अरशद शरीफ जैसे कितने ही लोग। हमेशा तारीख में हमने ये देखा कि शाहों की लड़ाई में, जंग में ये इस तरह प्यादे मारे जाते हैं, जिन्हें अरशद शरीफ जिस तरह मारा गया, इस तरह ये महसूस होता है कुछ अरसे बाद कोई इसको याद नहीं रखेगा, ये भी गुमनामी में चला जाएगा। याद रखें कि ये वो फार्म हाउस था जहाँ अरशद शरीफ को रखा गया, ये सुलेमान इकबाल का था जो एयरवाई का सीईओ है। अगरचे इस वक्त अमेरिका में मुकीम है, लेकिन उसके कारोबारी मरासम इंडियंस के ताकतवर ग्रुप्स के साथ हैं। वो अपने फार्म हाउस पे जहाँ अस्करी पसंद ग्रोहों को अस्करी तरबियत देता है, तो वो इंडियन जासूस एजेंसी रा का भी मस्कन रहा है। वो यही वो जगह है जहाँ से साउथ एशिया में अस्करी पसंद जमातों के कारकुनों को दहशतगर्दी और दीगर मामलों पर ताक किया जाता है। अब अरशद शरीफ का कत्ल, इस पर इमरान खान ने बहुत से फ़ायदे उठाने हैं, जिनमें पहला ये कि फ़ौज को अपने दबाव में लाना है। फ़ौज पर उसने अपने फॉलोअर्स के ज़रिए अब दुष्नाम देना शुरू कर दिया है और मीडिया में बाकायदा इसकी मनसूबाबंदी कर ली गई है, हो चुकी है और उसका आगाज़ हो चुका है। इसकी मिसाल अब मैं एक वीडियो से दे सकता हूँ, जिस तरह देखिए कि यह खातून जिसे कहा जा रहा है कि अरशद शरीफ की वालदा है, अगरचे क्योंकि पीटीआई के लोग आदतन झूठे हैं, झूठ बोलते हुए ये भी नहीं सोचते कि इसकी तहकीक होने के बाद क्या होगा, ये शर्मिंदा होने को भी तैयार नहीं होते। बहरहाल इस औरत का कहना है, ये क्या कह रही है देखिएगा। जिनके बिजनेस हैं कीनिया में और अरशद शरीफ के कातिल वर्दियों में है, एस्टेब्लिशमेंट में बैठे हैं। मैं आईएसपीआर को जवाब देना चाहती हूँ, आप अपनी बकवासात आकर मीडिया पे मत करें, आवाम को इतना गुस्सा मत दिलाएं। अब आपको वर्दियों से निकाल कर आपकी लाशों को चौराहों पे लटकाया जाएगा। आपने जिस वर्दी को गाली खुद बना दिया है, 6 लाख फौज जब अंधी हो गई है, ये इदारा फौज का जब गाली बन गया है, हमसे कोई तवक्को ना रखो। तुम हमने इख्तियार दिया था उसका नाजायज इस्तेमाल करके हमें डराते हो उस डंडे से। पाकिस्तानियों, हुकूमत वो हुकूमत जिसने इसे कत्ल करवाया है, वर्दियां उतार देनी चाहिए। इतने लंबे प्रोसीजर से क्यों गुजरते हो? तुम सिर्फ आईना लो, आईना देखो, तुम्हें अरशद शरीफ का कातिल समझ में आ जाएगा। आईना दिखाओ हर गली। जी कह रही है कि आईने में अपने आप को देखोगे तो कातिल मिल जाएगा, समझ गए आप। मीडिया में ये कंपेन पूरी शदोमत से चलाई जा रही है, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, स्लैक वीडियोस हो, टिकटॉक वगैरह पे मीम्स बनाई जा रही हैं, हर लम्हे आग में तेल डाला जा रहा है और जिससे इलाओं में फिर इजाफा होता चला जा रहा है। वतन दुश्मन सहाफियों में एक सहाफी अमरीकी निजात समी इब्राहिम भी है, इसकी गुफ्तगू सुन लें। जरा दोबारा तस्वीरें दिखा दीजिए वकार और उनकी खुरम की। ये दोनों सगे भाई हैं, अफजाल अहमद साहब के ये साहबजादे हैं और अब जो कंपनी है इनकी, मैं आपको बताता हूं कि नैरोबी में ये क्या काम करते हैं। मैंने आपको बताया हर्ट्स एंड होम्स, ये वो कंपनी है जिसके बड़े शूटिंग रेंज हैं, इनके फॉर्म्स हैं जिसमें शैले हैं और ये बुनियादी तौर पर इनका जो बहुत बड़ा बिजनेस है ये अमरीका की आर्मी के साथ है। ये इनकी जो सारी ये जो फैसिलिटीज हैं ये अमरीकी फौज को भी किराए पर देते हैं और दूसरे ममालिक को भी, और ये मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनको ये असलाह सप्लाई करते हैं। इनका जो काम है वो असले का काम है और ये सप्लाई करते हैं मुख्तलिफ मुल्कों को। डेफिनेटली वहां की जो डिफेंस फोर्सेज होंगी
या जो दूसरे कोई सरकारी नीम सरकारी जो भी इदारे होंगे उनको ये असला फराहम करते हैं, जिसे आम जबान में कहते हैं कि अमेरिकन मेड आर्म्स एंड एमुनेशंस। शिकारी भी लेते हैं और भी बहुत सारे लोग लेते हैं, कीनिया को भी देते हैं, ये भारत को भी देते हैं, पाकिस्तान को भी, और फिर इसके साथ ये शूटिंग ट्रेनिंग भी देते हैं। इनका इनका काम ये है, कुछ लोगों को ये सिचुएशन उन्होंने बताई, वो डाटा भी अवेलेबल हुकाम को है कि कहां कहां किस किस को कॉल की गई। उसके बाद ये जो वकार साहब हैं इनकी ये जो भी तस्वीर आपको नजर आ रही है, अब आपको ये तस्वीर नजर नहीं आएगी, लिंक्डइन से इनका जो अकाउंट है वहां से ये तस्वीर गायब हो गई। वकार का और खुरम का टेलीफोन बंद है, कीनिया में है, कहीं और चले गए हैं, किसी की पनाह में है, इसका कोई इल्म नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में उनके रवाबत, उनकी टेलीफोन कॉल्स, सारा वो डाटा अवेलेबल है। और मैं इस मामले में ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं ये छोड़ता हूं इन्वेस्टिगेटर्स पर। अब ये शख्स दानिस्ता तौर पर अरशद शरीफ के कत्ल की जिम्मेदारी बरह रास्त इशारे कलाइयों से पाकिस्तान के हसास अदारे पर वो डाल रहा है। पाकिस्तान के वजूद का जामन एक ऐसा अदारा जिसने पाकिस्तान को एंट्रैक्ट कर रखा है, जहां नजरिया नहीं रहा, दो कौमी नजरिया या कौमियतों में बटा हुआ पाकिस्तान, इसमें कोई ऐसा जज्बा मुहरका नहीं जो पाकिस्तान को, कौमियतों को वो इंट्रैक्ट करे। हर एक बिखरा हुआ है, हर एक के अपने मफादात है, और कोई जज्बाती बुनियादों पर या किसी मंतकी अंदाज से पाकिस्तान को इंटैक्ट रखने में कादर नहीं है इस वक्त। तो वाहिद सोर्स कौन सा है? वाहिद सोर्स पाकिस्तान की फ़ौज है, जिसने इस मुल्कत खुदाजात को जोड़ रखा है। इसको अपनी नफ़रत और तासुब की आंख में झोंकना कहाँ की अकलमंदी है? जो ये लोग जानबूझकर काम कर रहे हैं वो बेसिकली वतन दुश्मनी कर रहे हैं, इस मुल्क से दुश्मनी कर रहे हैं, उस उन अजायम की एजेंडे की तकमील पर काराबंद है। अगर अब इस मामले को एक तरफ हो जाए तो एक हल ये भी है, अब हम इस हल की तरफ जाते हैं कि आप कम अज़ कम फ़ौज ही कम अज़ कम इत्तेहादियों के भानमती की इस कुंभे वाली सरकार को मजबूत करें, ताकि वो अपने फैसले बेहतर और मुअसर अंदाज में अमल दरामद वो करवा सके और अदलिया की बेजा मुदाखलत को रोक दिया जाए। ऐसा नहीं तो ख़ुद एक और कारामद फार्मूला भी मौजूद है, जिस पर हम अगले व्लॉग में गुफ्तगू करेंगे। वैसे आज पीटीवी के लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो चुका है, जो लिबर्टी मार्केट गुलबर्ग राउंड अबाउट से जो शुरू होगा, ज़्यादातर तक का ताल्लुक क्योंकि अपर मिडिल क्लास का है से है, जिनके मनोरंजन के लिए म्यूज़िक का इंतज़ाम भी किया गया है, जहां रक्स व सुरूर के साथ इमरान खान के साथ इस ज़ाहिर यकजहती के लिए तमाम ज़राए बुरुएकार लाए जाएंगे। और यहां से फिर ये काफ़िला कल यानी 29 को तहसील मुरीद के में होगा, पड़ाव होगा इसका, उसके बाद उन्होंने सियालकोट के रास्ते से आगे जाना है। बहरहाल इस पर गुफ्तगू होती रहेगी, लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, पाकिस्तान इस दौरे पर मौजूद है जहाँ एक तरफ पाकिस्तान शायद मुमलकत अब महफूज ना रह सके, नोस मेरे मुँह में खाक अगर ऐसी बात हो, और दूसरी तरफ ये पाकिस्तान फ़ौज है, तो कम अज़ कम हमें होश के नाखून लेने होंगे। और कम अज़ कम इस मुल्क से अगर किसी को भी मोहब्बत है, वो लोग जो इस मुल्क से मोहब्बत रखते हैं और जो लोग ये समझते हैं कि इस मुल्क को हमने रहना है, इस मुमलकत की इसलाह करनी है, तो खुदा के लिए इमरान खां के पीछे ना चले, इसकी ख्वाहिशों की भेंट अपने आप को मत चढ़ाएं, या किसी और अरशद शरीफ को इसकी भेंट न चढ़ने दें। अपने बच्चों को रोकें कि कम अज़ कम आप लोग, आपकी जानें बहुत कीमती हैं हम सब के लिए, आप नौजवान जो हैं हमारा असासा हैं, हमारा सरमाया है, होश के नाखून लें, उन साजिशों को भांप लें जो साजिशें पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ आज से 20-25 साल पहले परवान चढ़ाने के लिए मनसूबाबंदी की गई थी। कैसे दौर से गुजर रहे हैं जो पुरखतर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की सलामती के लिए एक ऐसा वक्त आ चुका है जहां अब फैसला को मोड़ में
कौम ने फैसला करना है, तमाम सलाहियतों को बुरोए कार लाएंगे। अब आपसे इजाजत, अपने आरा से ज़रूर नवाजिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम।